एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की पत्नी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुझे कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगा के बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा, सारा दिन काम करती हो, 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से से आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके पे पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी, कहाँ निपटे? वे बोली, ये पड़ा घर जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचू? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग कर रहे हैं, तो बोली, मेरे सर पर पूछो और कहाँ पूछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विधायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी के घर बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी को बुरा लग गया। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया है, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चे ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई आई देवरानी के पास और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वह कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके पे रख कर सो गई। रात को चौथ विंदाई जी उसके सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुटा ही खाया था, मैंने तो झटते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके पे रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई, सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा,
पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने के बाद बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगे और बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिए, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा, किसी को पता नहीं चलेगा और उस धन को नहीं बांटा जाएगा। उसने कहा, हे चौथ के बिंगाई जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक पे रखी हुई सुई की भी पाती कर। इस पर गणेश जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवा कर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना।